एक बार फिर से स्वागत है आपका सक्सेस विद सुनील सर की क्लास में। दोस्तों, जिस तरीके से मैं आपसे रोज़ एक क्वेश्चन लगभग पूछता हूँ और जिसका आंसर हज़ारों लोग देते हैं, ठीक उसी तरीके से मैं आपके लिए ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकूँ और उसका आप आंसर डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दीजिएगा। बस यही आपसे एक मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। 2 मिनट का वीडियो होगा या 3 मिनट का वीडियो होगा जिसको आप रोज़ देखें, और बल्कि मैं तो आपसे कहूँगा कि आप इन क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं नोट कर लें और अपने एक हार्ड कॉपी के तरीके से इसको आप बना लीजिए, उसका डिस्क्रिप्शन नोट कर लीजिए, उसका क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलो आज से स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज आपके ये पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली के कुतुब परिसर में स्थित लोह स्तंभ किसके द्वारा बनाया गया था, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपने इसका आंसर टिक कर लिया होगा, डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लिखिए। देखिए, उसमें शर्म फील मत किया कीजिए, कोई आपको जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं, इसलिए आंसर ज़रूर लिखा कीजिए, ठीक है। उम्मीद है कि आपने लिख भी दिया होगा। तो इसका जो आंसर है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय इसका आंसर है, ओके। अब थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से समझते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसका मैं आपको एक फोटोग्राफ दिखाता हूँ यहाँ पर बाकायदा। ये देखिए, ये है वो लोह स्तंभ जो कुतुब परिसर मतलब कुतुब मीनार जहाँ पे बना हुआ है उसका जो परिसर है, उस परिसर में ये आपका लोह स्तंभ स्थित है। अब आप समझ रहे होंगे खुद ही कि जब गुप्त साम्राज्य की बात आ रही है, इसका मतलब गुप्त, ठीक है। देखिए, गुप्त का समय क्या था, 275 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक का समय जो है ये आपका गुप्त पीरियड के नाम से जाना जाता है। तो इसी में एक राजा हुए जिनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए कहा जाता है कि उन्होंने इस स्तंभ की को बनवाया था। देखिए, इस स्तंभ की लंबाई देखिएगा, इस स्तंभ की जो लंबाई है ना, ये टोटल मिलाकर ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक की मिलाकर ये है 7.21 मीटर, ठीक 7.21 मीटर की, पूरा एकदम ज़मीन के अंदर जहाँ तक का है वहाँ तक की ये पूरी लंबाई दे रखा है, ठीक है। और ज़मीन के अंदर जितना ये ज़मीन के अंदर है उतना आप समझ लीजिए ये 1.12 मीटर ज़मीन के अंदर है, ठीक। यानी कि टोटल ज़मीन के अंदर वाली मिलाकर टोटल जो इसकी लंबाई मानी गई है वो मानी गई है 7.21 मीटर। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये पूछे जाते हैं इस तरीके के प्रश्न, ठीक है। अब देखिए, अब कैसे पता चलता है कि इन्होंने ही बनाया होगा, हालांकि देखिए बहुत सारा इसके मतभेद हैं कि ये इन्होंने बनाया है कि नहीं बनाया, किसने बनाया है, ठीक है, किसने बनवाया था इसको। तो आप समझ लीजिए कैसे इस चीज़ का पता चलता है। एक्चुअली होता क्या है कि इस स्तंभ के ऊपर कई सारे लेख मिलते हैं, ठीक है, और उसमें से जो सबसे पुराना लेख है वो एक राजा हुए चंद्र, ठीक, चंद्र नाम के जो राजा हुए उनका मिलता है। तो इसलिए ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि जो ये आपके चंद्रगुप्त द्वितीय हैं ये ही हो सकते हैं, यानी कि आप कुल मिलाकर ये जो चंद्र नाम के जो राजा थे इनकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से होती है, और ये जो लेख लिखा हुआ है ये ही लेख है जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने उस टाइम पर लिखवाया था। इस पूरे के पूरे स्तंभ की यानी कि जो पिलर है, इस पिलर का जो वजन है वो वजन आपका 6 टन के लगभग है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आज का क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, आप इसका नोट्स जरूर बना ली। इसीलिए इसके ऊपर मैंने छोटा सा ये भी बना दिया है ताकि आपका स्क्रीनशॉट लें और इसको अपने कहीं ना कहीं नोट कर लें, ठीक है दोस्तों। चलो मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में, लाइक ज़रूर करिए और डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मैसेज लिखिए, ओके।